यार मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी के। अरे यार, हंसते रहा करो। सबसे पहले इस दुल्हन को देखो। इसका दोस्त बोलता है कि सब लेने आ गए, देखो यार क्या बोलती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यार पता नहीं इसके दूल्हे राजा का क्या होगा भाई, वो तो टपक जाएगा अगले ही दिन, यानी कि यार कच्चा चबा जाएगी। फिर वो रोता हुआ सोचेगा कि काश मैंने बगल वाली पिंकी को पटाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और यहाँ पर देखो यार, दूल्हे के पास बहुत पैसा था, यानी कि शगुन इकट्ठा हुआ था। फिर क्या था, उसके दोस्त ने उठाई पोटली और भाग गया वहां से। और दूल्हे की तरफ देखो, वो बोलता होगा कि साला मैं 3 घंटा यहाँ पर बैठा रहा तब जाके इतनी कमाई हुई है, और ये ऐसे उठा कर ले गया। अरे सांप खाएगा बिच्छू खाएगा तुझको। मुझे शादी करनी थी तुमसे। यार बहुत साल पहले की बात है, इस दुल्हन की शादी हो रही थी, लेकिन तभी इसका पति मंडप से उठा और वो भाई पिंकी को भगाकर ले गया। फिर क्या था, इसकी सड़क गई, और तब से लेकर आज तक जब भी इसे कोई सुशीला और हैंडसम लड़का दिखाई देता है तब ये उस पर टूट पड़ती है और यही बोलती है, मुझे शादी करनी थी तुमसे। खैर ऊपर वाला इसको सुशीला पति दे दे, नहीं तो यार इसकी सड़क जाएगी, बाद में शीला का पति मिलेगा इसे। और यहाँ पर देखो यार, इस दुल्हन को ये आई थी मेकअप वाली के पास और बोलती है कि ऐसा मेकअप चाहिए, यानी कि फोटो दिखाती है कि ऐसा मेकअप कर डालो, वाल पुट्टी चाहे वाल पुट्टी ही क्यों ना करनी पड़े। फिर क्या था, मेकअप वाली ने कर दिया, देखो यार बदल चुकी है। सुबह तक बेचारी का मेकअप उथल पुथल हो चुका होगा और साफ साफ वाल पुट्टी दिखाई देगी, तब यार यही होगा। अब यहाँ पर देखो यार, ये कोई दुल्हन नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें देखो यार, ये ड्रेस पहन रही है। अरे ये ड्रेस नहीं है, ये लंगोट है, लंगोट। जब हमारे यहाँ कुश्ती होती थी तब भाई इसे पहलवान पहनते थे। खैर यार, फैशन ने इतनी तरक्की कर ही ली है तो थोड़ी सी और करो और पहनना ही बंद कर दो। और यहाँ पर देखो यार, 3-3 बंदे, अरे बंदे नहीं, बंदियां, बंदे जो भी है, 3-3 बंदियां लगी हैं, लेकिन यार लहंगा काबू नहीं आ रहा है। यार मुझे तो लगता है कि रूपा का लहंगा है, मतलब कि यार रूपा कंपनी का लहंगा है। कच्चे तो बनाते हैं शायद, भाई लहंगे भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर देखो यार, दुल्हन का दोस्त आया था फोटो खिंचवाने के लिए, तभी जो हुआ यार देखो आप। यार मैं चाहता हूँ कि सबकी एक ऐसी दोस्त हो। आपकी कोई ऐसी दोस्त है तो नीचे कमेंट करके बताओ, अगर नहीं बनती तो यार बगल वाली पिंकी तो है ही। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बोलती है कि अब्बू मैंने नहीं जाना। अबे जाएगी क्यों नहीं, अब्बू के इतने पैसे लगवा दिए, और आखिर में बोलती है नहीं जाना। और अब्बू की तरफ देखो, वो बोलता है कि जा मुन्नी जा। इतना लफड़ा करने के बाद अब्बू के भी पसीने आ रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, नहीं जाना नहीं जाना, अबे चली जा। और ये दूल्हा बहुत कमाल का था, दुल्हन जैसे ही माला डालने लगी दूल्हा यार झुक जाता है। आपको भी अपनी शादी में ऐसे ही करना है, ताकि यार सबको पता चले कि दूल्हा कितना सुशीला है। अरे शीला का दूल्हा नहीं, मतलब कि सुशील दूल्हा। यार अब तो यार शीला के 2 बच्चे भी होंगे शायद। और यहाँ पर देखो यार, रील बनाने वाली की जब शादी होती है तो यार यही होता है, देखो कैसे नाच रही है। तूने बातें खोली, कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से ना खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। अगर आपको भी ऐसे नाचने वाली यानी कि रील बनाने वाली दुल्हन चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके बताओ। हंसते रहा करो यार, आप सभी सब्सक्राइब बटन को काला कर दो यार, उखाड़ फेंको।